राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल रेखा की दुनिया में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने की रेसिपी। मुंबई में इसे आलू बड़ी, गुजरात में इसे पात्रा बोलते हैं। अभी आप इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये खाने में बहुत ज्यादा यमी लगता है। फिर चाहे आप इसे टिफिन में बनाकर दीजिए या फिर शाम के चाय के साथ सर्व करिए। तो चलिए मेरे साथ इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको जरा सा भी अच्छा लगी तो दीजिए अपना ढेर सारा प्यार लाइक और शेयर करके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है बेसन और साथ में लिया है 5 से 6 कली लहसुन का, अदरक और हरी मिर्च मैंने यहाँ पर 4 से 5 लिया है। आप अपने हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं। अभी इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालकर इसे इस तरह से बारीक पीस लेना है। अभी इसे बेसन में इस तरह से बस डाल दीजिए। अभी इसमें डाल देना है 1/2 छोटा चम्मच या 8 से 10 दाने कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे भुना हुआ जीरे का पाउडर, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे चाट मसाला और साथ में 1/2 छोटा चम्मच से ज्यादा यहाँ पे गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर या फिर जरूरत के हिसाब से, 1 छोटा चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अभी इसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे डाल देना है हींग, 1 छोटा चम्मच भर के यहाँ पे अजवाइन, अजवाइन को हाथ से क्रश करके डालिए, मैंने पहले ही किया था, और यहाँ पे 1 नींबू का रस, 1 चम्मच तेल, नमक यहाँ पे डाल दीजिए स्वाद के अनुसार। अभी 1 छोटा चम्मच यहाँ पे भर के डाल दीजिए सफेद तिल, तिल को मैंने रोस्ट करके यहाँ पे लिया है। अभी इन सभी चीजों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें शक्कर या गुड़ यहाँ पर डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। अगर आपको हल्का मीठा खाना हो तो आप यहाँ पे गुड़ या शक्कर डाल दीजिए। अभी जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेना है। एक साथ पानी का यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए। और जिस तरह से आप पकौड़े वगैरह के लिए घोल तैयार करते हैं बस उसी तरह का घोल यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं बेसन का घोल यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया और इसमें गुठलियां वगैरह बिल्कुल ना रहे। अभी इसे साइड में रख दीजिए और घोल बिल्कुल इसी तरह का हमें यहाँ पर चाहिए। तो अभी यहाँ पर लेना है अरबी के पत्ते। पत्तों को अच्छे से पहले धोकर रख लीजिए। पत्तों को धोकर या तो छलनी में डाल दीजिए या फिर कपड़े से पोंछ कर रख लीजिए। अभी मोटे वाले जो डंठल है उसे चाकू की हेल्प से इस तरह से कट करके निकाल देना है ताकि जब इसे आप फोल्ड करें तो बहुत ही इजी तरीके से फोल्ड हो जाए। तो इसी तरह से सारे पत्ते के डंठल को कट करके रख लीजिए। अभी करना क्या है कि एक बेलन की मदद से हमें पत्तों को इस तरह से बेलकर सॉफ्ट कर लेना है। तो इस तरह से हल्के हाथों से बस इसे बेल लेना है, बहुत ज्यादा इसे नहीं बेलना है, बस 1 से 2 बार इस तरह से बेल लीजिए। इसी तरह से सारे पत्ते के ऊपर हमने बेलन चलाकर रख लिया है। पत्ते का डंठल इस तरह से बेलने से सॉफ्ट हो जाते हैं। अभी अरबी का एक पत्ता लीजिए और उल्टा करके इस तरह से रख दीजिए। अभी बेसन का घोल बस इस तरह से हमें पत्तों के ऊपर डाल देना है और बेसन के घोल को पत्ते के ऊपर अच्छे से एकदम से फैला देना है। तो इस तरह से अच्छे से इसे फैला दीजिए। आप चाहे तो ब्रश से भी इसे फैला सकते हैं। अभी दूसरा पत्ता यहाँ पे लीजिए और इसके ऊपर भी बेसन का घोल इस तरह से डालकर अच्छे से फैला देना है। पत्ते के ऊपर अच्छे से एकदम से बेसन इस तरह से लगा हुआ रहना चाहिए। फिर से यहाँ पे मैंने तीसरा पत्ता भी लिया है और सेम इसी तरह से इसे भी कवर कर दिया है बेसन से, और ये मैंने चौथा पत्ता यहाँ पे लिया है। अभी इसके ऊपर भी बेसन का घोल डाल दीजिए और अच्छे से एकदम से फैला दीजिए। अभी इसे करना है फोल्ड। तो सबसे पहले हमें इस तरह से पत्तों को साइड से मोड़ देना है और हल्का सा यहाँ पे बेसन का घोल इस पे आप लगा सकते हैं अगर पत्ते खुलने लगे तो। अभी गैस के ऊपर पानी गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो इस तरह से चारों साइड से बस इसे फोल्ड कर देना है, हल्का सा इस तरह से बेसन को लगा दीजिए। अभी बस इसे कर देना है यहाँ पे अच्छे से फोल्ड। तो इस तरह से रोल करते जाइए। इसी तरह से बचे हुए पत्ते में भी बेसन लगाकर रोल बनाकर रख लीजिए। तो मैंने इसी तरह से 2 रोल बनाया है, एक मेरा यहाँ पे छोटा बना है और एक आपके सामने बड़ा रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से अभी इसे स्टीम कर लेते हैं। आज ये प्लेट में नहीं आ रहा था तो मैंने इसे इडली वाले प्लेट में ही रख दिया है। तो चलिए फटाफट से चलते, गैस के पास पानी भी उबल रहा है, बस इसे इस तरह से रख देना है। अभी ढक्कन से ढक दीजिए और 15 मिनट तक बस इसे ढककर स्टीम कर लेना है। 15 मिनट के बाद गैस को कर दीजिए बंद और इसे आराम से होने दीजिए ठंडा। अभी यहाँ पे अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी एक चाकू की हेल्प से बस इसे इस तरह से कट करके रख लेना है। तो
तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे अरबी के पत्ते के पकौड़ों को कट करके रख लीजिए और गैस के ऊपर कढ़ाई या पैन गर्म होने के लिए रख दीजिए। तो चलिए फटाफट से चलते हैं गैस के पास। तो मैंने यहाँ पे एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है, पैन यहाँ पे गर्म हो गया। अभी इसमें डाल देना है तेल, तेल यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं डालना है। अभी तेल को यहाँ पे गर्म होने दीजिए, जब तेल गर्म हो जाए तब हमें इसमें अरबी के पकौड़े को इस तरह से डाल देना है। एक बार में जितना है उतना अरबी के पकौड़े इस तरह से तेल में डाल दीजिए। यहाँ पे गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अभी जब ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तो चम्मच की हेल्प से बस इसे इस तरह से पलट देना है। अभी दूसरे साइड से भी सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें सेक लेना है और इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। बस इसे अभी बाहर निकाल लीजिए। इसी तरह से सारे अरबी के पकौड़े को सेक कर निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन आज मैं इसमें एक अच्छा सा तड़का लगाऊंगी, इससे इसका स्वाद बिल्कुल दुगना हो जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पे डाला 2 चम्मच तेल और 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पे भर के डाल दीजिए राई, काली वाली जो होती है वो। अभी राई को चटक जाने दीजिए। अभी इसमें डाल देना है करी लीव्स और गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और इसमें यहाँ पे डाल दीजिए 1 चम्मच भर के सफेद तिल। तिल लास्ट में डालिए, नहीं तो ये बहुत जल्दी लाल हो जाता है। और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें डाल दीजिए बने हुए पकौड़ों को। अभी हल्के हाथों से बस इसे यहाँ पे मिक्स कर दीजिए और गैस को यहाँ पे कर देना है बंद। तो एलो जी, हमारा यहाँ पे अरबी के पत्ते के पकौड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ज्यादा यम्मी लगता है। बस इस तरह से बनाइए और इसे सर्व करिए, चाहे आप इसे गरम गरम खाएं या ठंडा करके, ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आप जरूर ट्राई करिए और कैसा बना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आज की रेसिपी अच्छा लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।